नंबर 14408, डॉक्टर के एन सिंह, यानी नाम होगा कामाख्या नारायण सिंह। डॉक्टर साहब अपना परिचय भी देंगे और शरीर इम्बेलेंस होने पर क्या तकलीफ हो जाती है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सारी बात आपको अभी यहाँ बताएंगे भी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब अपना परिचय भी दें मास्क थोड़ा करके। नमस्कार, सबसे पहले बता दूं कि इस संस्थान के बारे में मुझे यूट्यूब के माध्यम से जानकारी मिली। मैंने संपर्क किया, आया, रजिस्ट्रेशन कराया और एक महीने का ट्रीटमेंट थेरेपी लेने के बाद मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि पहले इस बीमारी से पहले बिल्कुल फिट था, मुझे कोई भी ट्रबल नहीं था, केवल पेट का इम्बैलेंस नाभिक टलना जिसकी वजह से पेट साफ नहीं होता था। तो उसे यह अनुभव होता था कि सारा ज्ञान, सारी सुविधाएं, फिजिकल जो कंफर्ट्स होते हैं लाइफ की, वो रहते हुए भी मन चिड़चिड़ा जैसा रहता था, जीवन में आनंद नहीं आ रहा था, खुशी महसूस नहीं हो रही थी, सिर भारी रहता था। खैर, मैं जब यहाँ एक महीने से जो थेरेपी यहाँ ली, उसके बाद मन फ्रेश है, उमंग है, भूख भी लग रही है। और भूख पहले भी लगती थी लेकिन अब भी लग रही है, भूख में कोई कमी नहीं थी, लेकिन लगता था कि सिर पर एक पहाड़ जैसा बोझ रखा हुआ है, उससे मैं मुक्त हो गया। तो यह आरोग्य संस्थान, पीठ संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद, दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहता हूँ कि चूंकि सर ने कहा जैसे कि हम भारतीय हैं, इस हमारी विद्या संस्कृत में है, परंपरागत है, इसलिए आधुनिक चकाचौंध वेस्टर्न कल्चर की पंप एंड शो में इसको थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, जबकि ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे नए प्रधानमंत्री आए हुए हैं, इन्होंने थोड़ा सा इस मानसिकता में परिवर्तन लाने की कोशिश की है, योग भी कर रहे हैं, करा भी रहे हैं। और भारतीय विद्याओं पर, भारतीय संस्कृति पर, हमारे वेद पुराणों में जो लिखा हुआ उसको हमारे पाठ्यक्रम में डाला जा रहा है, और यही हमारी असली विरासत है, शक्ति है, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत और समृद्ध भारत और समृद्ध भारत। बिल्कुल ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और क्योंकि डॉक्टर साहब तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में एक बड़े पद पर हैं, डॉक्टर साहब इस बात को जानते हैं, इम्बैलेंसिंग रोग है और बैलेंसिंग आरोग्य है। जी है, बिल्कुल। किसी भी चीज में जब बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन खराब हो जाता है, बीमारी आ जाती है। लेकिन यह संतुलन भारतीय इस तरीके से न्यूरोथेरेपी से किया जा सकता है, यह मानना अभी भी बड़ा दुष्कर है, बड़ा कठिन है, बड़ा समझाना पड़ता है, तो भी लोग कहते हैं क्या होगा। लेकिन कब होता है, जब शरीर इंबैलेंस, अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि केवल नाभि इंबैलेंस थी, यही था नाभि इंबैलेंस थी। डॉक्टर साहब के पास सब कुछ है, पद है, दौलत है, धन है, संपदा है, लोग क्योर करने वाले, केयर करने वाले हैं, लेकिन अपना बैलेंस बिगड़ने से चिड़चिड़ापन रहता था, सब कुछ रहने के बाद भी आनंद नहीं आता था, ये आनंद बैलेंसिंग न होने से था। अब सारे मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब के, तो ओके, बिल्कुल एमआरआई, एक्सरे, जी हाँ जी, अब चिड़चिड़ापन के लिए नेगेटिव नहीं, नेगेटिविटी कहीं भी नहीं थी, चिड़चिड़ापन के लिए कोई टेस्ट नहीं डॉक्टर साहब, चिड़चिड़ापन एग्रेसिव आउटवर्डली नहीं था, मैं किसी से एग्रेसिव नहीं था, अपने में इंटरनली खुशी नहीं था, मुझे जीवन में आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात, यह है असली चीज, खुशी है। संस्कृत में कहा जाता है जिस किसी काम को करने के लिए आप जाते हैं, मन प्रसन्न है, समझिए को काम सफलता मिलेगी उसमें, तो प्रसन्नता ही आत्मा है, आनंद ही आत्मा है, हमारे वेदों में कहा गया है। ठीक बात, सच्चिदानंद की जो व्याख्या है, आनंद, आनंद की अनुभूति जहां भी है, जिस क्षण या जिस जीव को भी है, समझिए उस क्षण में उस परमात्मा के कॉन्टेक्ट में है। इस संस्थान और से इनका जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ी बात कि नो मेडिसिन, नो एक्सपेंस, हमारा देश इससे तो जूझ रहा है, सारा हमारा 1/4 जो इनकम है वो मेडिकल में जा रहा है, एक्सपेंसेस में जा रहा है। टू अर्न इज मनी इज वेरी डिफिकल्ट, बट टू सेव मनी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। हम निरोग रहे, दूसरों को हम निरोग करें, अपना सजेशन दें, जरूरत हो तो हमें सजेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी। मैं एक चीज, आपने जो बात बोली, बहुत बड़ा मैसेज दे दिया आपने, एक मैसेज दिया कि
लोग अर्निंग में लगे हुए हैं, कमाने में लगे हैं, लेकिन गमाने के लिए माना आज जितना रहा है उससे ज्यादा जाने की तैयारी हो रही है, उस आने का फायदा क्या है? कोई फायदा? तो जितना बड़ा खर्चा आज हम अपने मेडिकल सिस्टम पर कर रहे हैं, अगर उतना बड़ा खर्चा हम अपने आरोग्य पर करना शुरू कर दें, तब ये खर्चा नहीं रहेगा, करोड़ों करोड़ लोगों की हैप्पीनेस, इंटरनल जो आनंद है, सुख है, ये बन जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बहुत बड़ा मैसेज दिया डॉक्टर साहब, और क्योंकि आप उस जगह पर हैं जहां हमारी ऐसी चीजों की कदर होती है, और हम भी चाहेंगे कि भी आपके माध्यम से ये चीज जो न्यूरोथेरेपी, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, मैंने आज एक मैसेज डाला कि पारंपरिक जो पद्धतियां हैं, स्वदेशी पारंपरिक पद्धतियों के विकास को अगर हम बढ़ावा दें तो गांधी जी को और शास्त्री जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल, महात्मा गांधी तो अंग्रेजी दवा लेने से बिल्कुल परहेज करते थे और स्वच्छ चिकित्सा में विश्वास रखते थे, देसी चिकित्सा में विश्वास, बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास, प्राकृतिक चिकित्सा। उन्होंने उनकी जो जीवनी है माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, उसमें पढ़े, उसमें साफ लिखा है वे अपने बेटे के, जो बड़े बेटा था उसका, उसकी भी चिकित्सा वे स्वदेशी प्राकृतिक रूप में करते थे। कोई बीमारी है, पेट पर पुट्टी डाल देना मिट्टी का, उपवास करना, कभी कभी उन्होंने तो दूध का भी त्याग कर दिया, दूध का भी त्याग कर दिया। अपने जो मरीज हुए, कुछ रोग से ग्रस्त हुए, तो डॉक्टर ने कहा दूध लीजिए, हमने दूध का हमने त्याग कर दिया है, नहीं लेना। तब उनकी पत्नी ने, कस्तूरबा गांधी ने सजेस्ट किया, तो आप बकरी का दूध ले सकते हैं ना, तो गांधी जी उस पर एग्री हुए। बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहब, ये संदेश आपके लिए है डॉक्टर साहब का, आप अस्वस्थ हैं या आप स्वस्थ हैं, अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्न करिए, न्यूरोथेरेपी अपनाइए, और अगर आप अस्वस्थ हैं तो मेडिकल में बाद में जाना, क्योंकि वहां ढेर सारी बीमारियां दवाई अपने आप छोड़कर जाती है। तो इसीलिए पहले अस्वस्थ हैं तो भी न्यूरोथेरेपी लीजिए, और अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहने के लिए भी न्यूरोथेरेपी लीजिए। तो दोनों प्रकार से आप और अपनों के लिए ये संदेश आज जरूर दीजिए। आज का ये संदेश है, ये भारत के हर व्यक्ति के लिए संदेश है। तो आप और हम सब मिलकर अपने प्रिय भारत को स्वस्थ, निरोगी और मस्त बनाने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।